रेडी स्टार्ट। मनुष्य आमतौर पर पूर्वाग्रह से भरा हुआ जीव है। विराम किसी नई जगह जाने या किसी नए व्यक्ति से मिलने से पहले हम कई बार सिर्फ कुछ बातें सुन कर या फिर कल्पना करके उसके बारे में एक धारणा बना चुके होते हैं। विराम इस क्रम में सोचने समझने का कोई अवसर मिले उससे पहले ही इतनी गलतफहमियां बीच में पनप जाती हैं कि एक लंबी प्रक्रिया और बहुत लंबे समय के बावजूद हम उनसे पार नहीं निकल पाते। विराम दरअसल यह व्यक्ति के मनोविज्ञान की परतों में छिपी ग्रंथियां होती हैं जो कई बार उस पर हावी हो जाती हैं और उसे निरपेक्ष नहीं रहने देती। विराम ऐसी स्थिति में संवेदना के स्तर पर जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए वह नहीं हो पाती और इसका सीधा असर सामने वाले से तारतम्य बिठा पाने पर पड़ता है जिसकी दिशा आमतौर पर नकारात्मक रुख अख्तियार कर लेती है। विराम पैरा दरअसल ऐसी धारणाएं मानवीय चेतना का हिस्सा इस तरह बन जाती हैं कि इससे अलग हम सोच ही नहीं पाते। विराम अब चूंकि व्यक्तिवाद पर आधारित सोच और बर्ताव हर जगह हावी दिखता है, दूसरे की जिंदगी में व्यक्ति का दखल केवल अनचाहा है, तब पूर्वाग्रह भी एक तरह से अपनी सोच को दूसरे पर थोपने जैसा है। विराम यह अमूमन व्यक्ति के रूप में एक वर्ग का दूसरे के प्रति भाव होता है जिसकी शुरुआत राय बनने से होती है। विराम इसी वजह से दो भिन्न स्तर पर जी रहे लोगों के बीच ही अधिकतर विवाद उभरने की संभावना रहती है। विराम इससे हम सामने वाले व्यक्ति के पूरे मनोविज्ञान और सभी तरह की पृष्ठभूमियों को नज़रअंदाज करके अपने और केवल अपनी भावना की संतुष्टि के लिए उसके बारे में निर्णय दे देते हैं। विराम जबकि हो सकता है कि जिस धारणा की बुनियाद पर खड़े होकर ऐसा किया गया होता है उसकी जमीन बहुत कमजोर होती है। विराम हमारी धारणा के विपरीत वह व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है या फिर बहुत बुरा भी हो सकता है। विराम पैरा सच यह है कि अधिकतर पूर्वाग्रह समय के साथ गलत साबित होते हैं और उन्हीं के साथ व्यक्ति और उसकी धारणाएं भी कहीं न कहीं उसी अनुपात में गलत साबित होती जाती है। विराम इससे साबित यही होता है कि अपने आग्रहों के निर्माण के क्रम में हमें अपना आकलन करना चाहिए ताकि अपनी ही धारणा के बरकस सोचने की नौबत नहीं आए। विराम लेकिन बार बार ऐसा होने के बावजूद व्यक्ति समांतर इस पूरी प्रक्रिया को जारी रखता है। विराम व्यक्तियों के एक समूह में अनायास किसी अनिवार्यता की वजह से नए व्यक्ति का जुड़ना अक्सर एक दुर्घटना की
तरह प्रतीत होता है। विराम, हमें जिन लोगों से जुड़े हुए 4 दिन हुए होते हैं, हम उनके साथ सहज महसूस करने लगते हैं, लेकिन 5वें दिन किसी का आना बर्दाश्त से बाहर होता जाता है। विराम, यह दिखाता है कि कैसे मनुष्य 2 विरोधाभासों को एक साथ जीता रहता है। विराम, कई बार इस तरह के विरोधाभासों के निर्माण और उसकी प्रक्रिया के बारे में सोचती हूँ कि यह किन हालात में संभव हो पाता है। विराम, पैरा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि लगभग हर जगह ऐसी स्थिति में हमें कभी न कभी बाहरी जैसा महसूस कराया जाता है, और यह भी मज़ेदार बात है कि ऐसा केवल विशिष्टता के आग्रही लोगों के बीच ही होता है। सामान्य कहे माने जाने वाले लोगों के बीच कतई और किसी प्रकार नहीं। विराम, अधिकतर समस्याएं स्तरीयता के साथ ही होती है, वरना नहीं। विराम, हम किसी छोटी क्लास यानी जिसमें सदस्य बहुत कम हो जाकर जितना असहज महसूस करते हैं, उतना सैकड़ों की संख्या वाली एक कक्षा में जाकर नहीं। विराम, बाजार में जाकर तो शायद ही हमें कुछ खास लगे। विराम, अपरिचय बोध अवश्य लग सकता है, लेकिन असहजता तो बिल्कुल नहीं। विराम, इसकी वजह यह होती है कि हम बाजार में जाने के बाद सब कुछ वैसा पाते हैं जिसके प्रति बचपन से सहज रहते आए हैं। विराम, घर के आसपास से लेकर बाहर निकलने तक ऐसे माहौल से रूबरू होना पड़ता रहा जिससे ठीक से परिचित रहें। विराम, लेकिन जैसे जैसे कुछ बातों को लेकर आग्रह पनपते हैं, वैसे वैसे हमारी अनुभूतियों में भी बदलाव आने लगता है। विराम, फिर असहजता पूर्वाग्रह के साथ चली ही आती है। विराम, पैरा, जहां हम किसी को नहीं जानते, कोई हमें नहीं जानता, वहां कोई दुविधा, कोई असहजता, कोई विशिष्टता और कोई आग्रह नहीं होता। विराम, यह भी है कि पूर्वाग्रह जैसी चीज़ों का फर्क सामने वाले व्यक्ति पर तब तक कतई नहीं पड़ता जब तक वह खुद हीन ग्रंथि से ग्रस्त न हो। विराम, आत्मविश्वासी और समर्थ व्यक्ति जीवन संग्राम में जैसे अन्य तमाम दुविधाओं से संघर्ष करता है, उसी तरह इससे भी पार पा लेता है। विराम, लेकिन आखिर हमें सोचना चाहिए कि हमारा पूर्वाग्रह क्यों किसी के द्वंद की वजह बने, और अगर काफ़ी कोशिशों के बावजूद हम इससे नहीं बच सकते, तब इतना अभ्यास तो हमें करना चाहिए कि कम से कम हम इसे जाहिर तो न ही होने दें। विराम, बहुत बार यह होता है कि यह मजाक से शुरू होकर घातक रूप लेता जाता है। विराम, इतना भी कि नए व्यक्ति को पलायन के लिए विवश कर दे। विराम, इसमें किसकी जीत और किसकी हार देखी जाएगी।